जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं 5 नंबर कान्हा जी की एक नई ड्रेस, जिसके लिए मैंने लंबाई ली है 7 इंच और कपड़े की चौड़ाई मैंने 40 इंच ली है। कपड़े की चौड़ाई मैंने 40 इंच ली है। सीधी साइड है तो ये सीधी साइड को हम ऐसे उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम जहाँ से ये कन्नी आ रही है वहाँ से हम ये लेस लगानी शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे सारी, ये राइट साइड है और ये इसको भी ऐसे मोड़ के राइट साइड कर देंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर। हमने एक लेस लगा दी है, अब एक और लेस लगाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा के। ये हमने दोनों लेस लगा दी हैं। अब इसको किनारे से कवर करने के लिए हम ये लगाएंगे लेस। इसको यहाँ से फोल्ड करना है पहले, फिर ऐसे हमने दोनों तरफ से लेस लगा दी है। कपड़ा लिया है 6.5 इंच लंबा और 4.25 इंच चौड़ा। हम सेंटर में काट लेंगे, सेंटर बना के इसका इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। दोनों साइडों पे ये लेस लगाएंगे ऐसे और इस साइड से भी दोनों साइडों कवर करेंगे यहाँ से लगा के। इस चोली के हमने दोनों साइडें लेस लगा दी है। अब हम इसे यहाँ से सिलाई करेंगे 1 इंच के करीब, यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसे पक्का कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसे दोनों साइडों से यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इधर से भी और इस साइड से भी, यहाँ से भी हमने सिलाई लगा दी है सेंटर की। अब यहाँ से यहाँ तक 1 इंच के करीब यहाँ भी सिलाई लगानी है थोड़ी तिरछी करके। ऐसे चोली तैयार है, अब इसे हम घेरे से अटैच करेंगे। अब इस चोली को हम घेरे से अटैच करेंगे यहाँ से सिलाई लगाते हुए, गोलाई में से सारी मिलाते हुए अटैच कर देंगे। ये हमारी चोली अटैच हो गई है घेरे से, फुल घेरा है इसका। अब हम पटका बनाते हैं के लिए हमने ये डबल कपड़ा लिया है। ये हमारा 3.5 इंच चौड़ाई में है और 7.25 इंच लंबाई में है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। हमने 2 पीस काट लिए हैं, अब इनको यहाँ से सेंटर से जोड़ना है सिलाई लगा के। इनको जोड़ दिए हैं, अब ये यहाँ पे हम निचोड़ लेंगे। ये हमने पटके के दोनों साइडों पे नीचे लेस लगा दी है, लगाएंगे यहाँ पे पूरी कवर करेंगे। ये हमने पटके की लेस लगा दी है, ये पटका भी तैयार है और हमारी ये ड्रेस भी तैयार है।